नमस्कार, मैं हूं शकील सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज। आज के हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के नवनियुक्त निदेशक शुभचंद झा। आइए इनसे बात कर। आज के दिन में बिजली की जो प्राथमिकता है, लोग की प्राथमिकता नहीं, जरूरत भी हो गई है, क्योंकि उससे आदमी का खुशहाल प्रश्न उससे आदमी का ये जुड़ा हुआ है। अतः हम लोग यदि उसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग है और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे। एक सूची जारी हुई थी अभी कि जितने भी सरकारी भवन हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बिजली का बकाया है, और उसमें से कुछ पर कार्रवाई भी हुई है और कुछ पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी राजनीतिक दबाव के चलते या और कारण हो सकते हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से इसको देखते हैं? ऐसा है कि उन्होंने उनका जो बकाया था उनमें कुछ डिसीजन किया था, और डिस्कनेक्शन करने के बाद उन्होंने तुरंत पैसा जो राज्य संपत्ति विभाग है, जो इस सरकारियों का जो लखनऊ में जो है उसका पेमेंट उनके नाम से कनेक्शन है, तो वो राजनीतिक दबाव का प्रश्न नहीं है। उसमें बकाया जो चल रहा था इसीलिए में उनका भी काटा गया, और उसमें उन्होंने तुरंत पैसा दिए भी। उन्होंने परसों जो है डे बिफोर स्टडे दे हैव गिवन 46 लाख, स्टडे दे गिवन है 2.46 करोड़, एंड देन प्रोसेस टू गिव फर्दर 2 or 3 करोड़। और जिसमें जो बकाया है उन्होंने कहा कि मैं समय से इसको, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर में इसी महीना में इसको हम आपको मार्च महीने में ही बाकी पेमेंट हम करेंगे, बाकी जो कुछ बकाया रह जाएंगे उसको हम 2-3 किस्तों में पूरा करेंगे। उसी के आधार पर उनका जोड़ा गया है, उसमें किसी का राजनीतिक दबाव नहीं था। और यदि हमारे उपभोक्ता को भी, हमने आपको पता होगा, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमने स्कीम लाया है गाँव के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कि यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में लाइट फैन और ट्यूबवेल का यदि किसी का बकाया है तो वो 6 किस्तों में पैसा दे सकता है। मैं वहाँ भी अलाउ किया हूँ कि वो हमको 6 किस्तों में पैसा दें, और उनको हम ये सुविधा उनको भुगतान कर रहे हैं वहाँ दिया में और 6 किस्तों में दिया में उसका। देखिए, सौभाग्य योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है। अभी तक जो लोग बिजली से वंचित रहते थे तो उनको जो है जो BPL जो नीचे गरीब रेखा नीचे वाले आदमी हैं उनको बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनको 500 रुपये उनको भी किस्तों में दिया जाएगा। अभी हम लोग कैंप लगा करके करीब करीब जो है 3.5 लाख कनेक्शन उसमें दे चुके हैं। उसके अलावा भारत सरकार द्वारा आयुक्त जो दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना है, ज्ञानी वाहन योजना है, उसमें भी उसमें कनेक्शन देने हैं। थोड़ा छोटा तो रह गया है, तो अभी जो विभाजन में हम कभी वो अभियंता स्तर के जैसा के एक्सिस का एक ट्रांसकॉम्पी का, तो ये बीच की जनता जो है आपकी, जैसे चौक हो गई, नखास हो गई, अमीनाबाद हो गई, बहुत बड़ी बेल्ट है पुराने शहर की, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है उस छोर में जाने की। और इधर जो डालीगंज हो गया, महानगर हो गया, नगर हो गया, अलीगंज हो गया, इनको जाने की दिक्कत इधर बहुत होती है आपके शहीद पथ पे जो दूसरा आपका ट्रांसगमती का बना है। तो इसमें लोग बड़े विचलित हैं और ये अपेक्षा करते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं, कई लोगों ने हमसे कहा कि उनसे बात करिएगा कि अगर बीच में भी मौका मिल जाए हम लोगों को अपने चीफ से बात करने का। देखिए, मैं आपके थ्रू ये माध्यम से हम जनता को अवगत करना चाहते हैं कि उनको मुख्य अभियंता तक जाने की आवश्यकता ही बहुत कम है। प्रथम तो उनके क्षेत्र में जो ये है, क्या कहते हैं, डिवीजन है, खंडीय अधिकारी हैं, ये SDO है, उनके पास ही जाए, और नहीं तो उस तक किस तरह कोई कंप्लेन है तो 19-12 में दर्ज करा दें वहीं से, जिससे उनकी सुनवाई का पूरा लाभ मिलेगा। यदि किसी के व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत है तो हमारे मुख्यालय में भी आकर दे सकते हैं, क्योंकि वो जाँच का विषय है, उसमें जब तक लिखित नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। अन्य स्थिति में उनकी आपूर्ति मामला हो, बिल बिजनेस मामला हो, मीटर का मामला हो, या किसी तरह की उनकी कोई दिक्कत है तो सीधे कंप्लेंट दर्ज कर उनकी वो आने के लिए आप सकते हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रदेश भर में सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं ने पूरे दिन कार्य बहिष्कार कर काम बंद रखा। संघर्ष समिति ने आंदोलन को और तेज करते हुए ऐलान किया है कि बिजली के निजीकरण के निर्णय के विरोध में 28 मार्च से बिजली कर्मचारी व अभियंता नियमानुसार कार्य करेंगे, और 9 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से तमाम बिजली कर्मचारी व अभियंता 72 घंटे का प्रांत व्यापी बहिष्कार करेंगे।
इस दौरान प्रदेश में जनपद व परियोजना मुख्यालयों पर प्रतिदिन विरोध सभाएं जारी रहेंगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि व्यापक जनहित में सरकार निजीकरण का फैसला वापस ले। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली कर्मचारियों के शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन करने हेतु किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न किया गया तो बिना और कोई नोटिस दिया निश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर दिया जाएगा। संघर्ष समिति ने आज ये भी घोषणा की कि यदि किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी की गई तो हर जनपद व हर परियोजना पर बिजली कर्मचारी व अभियंता सामूहिक गिरफ्तारियां देना प्रारंभ कर देंगे। संबंधित संघर्ष समिति के आह्वान पर आज हुए कार्य बहिष्कार के दौरान राजधानी लखनऊ सहित सभी जनपदों में बिजली के दफ्तरों और विद्युत केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। अनपरा, ओबरा, पिपरी, फंटी, हरद्वागंज और परीक्षा बिजली घरों के गेट पर तथा वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, फैजाबाद, गोड़ा, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, नोएडा, झांसी, बांदा, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, केसको और सभी जनपद मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन एवं सभाएं हुई। ABI News के लिए शकील सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।